शेर बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, आप जहाँ बैठोगे वही सिंहासन हो जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सिंगिंग लेजेंड किशोर कुमार की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें बताने वाली हूँ, जिन्हें सब प्यार से किशोर दा भी कहते हैं। अगर किशोर दा की सारी खास बातें जोड़ दिया जाए तो फिर वे फिल्मी दुनिया के ऑलराउंडर शख्स थे, क्योंकि किशोर कुमार एक बहुत अच्छे सिंगर होने के साथ साथ लिरिसिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कंपोजर भी थे। इसके अलावा उन्होंने हिंदी, मलयालम, मराठी, बंगाली, असमी, गुजराती और भोजपुरी में भी गाना गाए हैं। इनकी फैन फॉलोइंग्स आज तक बहुत ही ज्यादा है। इनकी आखिरी गाया हुआ गाना जो कि रिलीज नहीं हुआ था, उसका मास्टरपीस दिल्ली में 15,60,000 में नीलाम हुआ। तो चलिए दोस्तों, इनके बारे में पूरी तरह से जानते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं। किशोर कुमार जी का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनका असली नाम आभास कुमार गांगुली था। उनके पिता का नाम श्री कुंजलाल गांगुली था, जो कि एक वकील थे, और माँ का नाम गौरी देवी था। किशोर कुमार के दो भाई थे जो बॉलीवुड में अशोक कुमार और अनूप कुमार के नाम से फेमस हुए, और एक बहन थी जिनका नाम सती देवी था। किशोर कुमार जिस टाइम में कॉलेज में पढ़ते थे, उनकी आदत थी कि कॉलेज की कैंटीन से उधार लेकर खुद भी खाना और दोस्तों को भी खिलाना। वो ऐसा समय था जब 10-20 पैसे की उधारी भी बहुत मायने रखती थी। किशोर कुमार पर जब कैंटीन वालों के 5 रुपए 12 आना उधार हो गए, तब कैंटीन का मालिक जब उनको अपने 5 रुपए 12 आने को चुकाने को कहते थे, तो वे कैंटीन में बैठकर टेबल पर ग्लास और चम्मच बजाकर 5 रुपए 12 आना गाकर काफी सारे धुने निकालते थे और कैंटीन वालों की बातें अनसुनी कर दिया करते थे। बाद में उन्होंने अपने एक गाने में इसी 5 रुपए 12 आने को बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। इस गाने की असली कहानी शायद ही कम लोगों को मालूम होगी। किशोर कुमार जब छोटे थे, तभी ही उनके बड़े भाई अशोक कुमार मशहूर एक्टर बन चुके थे। किशोर कुमार का आगे बढ़ने में उनका बहुत योगदान रहा था। जिस बॉम्बे टॉकीज के लिए अशोक कुमार जी फिल्म बना रहे थे, उसी टॉकीज में किशोर कुमार जी ने कोरस सिंगर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। किशोर कुमार जी का एक्टिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर अपने बड़े भाई के दबाव देने पर उन्होंने एक्टिंग शुरू की और 1946 में फिल्म शिकारी में नजर आए, जिसमें अशोक कुमार लीडिंग रोल में थे। फिल्मों में किशोर जी काफी अच्छी कॉमेडी भी करते थे। 1948 में फिल्म जिद्दी में उन्होंने पहली बार गाना गाया था। राजेश खन्ना की फिल्म आराधना में उनके गाने को काफी ज्यादा पसंद किया गया और यहीं से उनके सक्सेसफुल सिंगिंग करियर की शुरुआत हुई। उनका गाने का अंदाज बाकी सिंगर से बहुत ही अलग था, जो कि लोगों को काफी पसंद आया, और आज भी बॉलीवुड में उनके जैसा गाना बहुत कम ही आते हैं। उस टाइम के फेमस सुपरस्टार जैसे राजेश खन्ना, देवानंद, धर्मेंद्र, जितेंद्र, ऋषि कपूर सबके लिए भी उन्होंने बहुत सारे गाने गाए। शुरू में वो बस सिंगिंग करना चाहते थे, लेकिन अपने बड़े भाई के दबाव के कारण वो एक्टिंग को भी जारी रखे। उस समय जिन 22 फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की थी, उनमें से 16 फ्लॉप हो गई थी। इसके अलावा वो ऐसी ऐसी हरकत करते थे जिसके कारण से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब उनको एक्टिंग ही ना करने दे। पर कुछ फिल्में हिट होने के बाद वो एक्टिंग को भी सीरियसली लेने लगे। फिल्म चलती का नाम गाड़ी में तीनों भाइयों ने साथ में एक्टिंग की थी। इनकी पर्सनल जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 4 शादियां की थी। बंगाली एक्ट्रेस रूमा गुहा से उन्होंने पहली शादी की थी। किशोर कुमार और रूमा जी के एक लड़के हैं जिनका नाम अमित कुमार है। 8 साल के बाद दोनों अलग हो गए। फिर 1960 में मशहूर एक्ट्रेस मधुबाला से उन्होंने शादी कर ली। उस वक्त मधुबाला जी को दिल की बीमारी थी और उनका इलाज चल रहा था। 23 फरवरी को मधुबाला जी की मृत्यु हो गई थी। फिर उसके कुछ साल बाद उन्होंने फिल्म एक्ट्रेस योगिता बाली से 1976 में शादी कर ली, मगर ये शादी भी नहीं चल पाई और 2 साल में ही अलग हो गए। और फिर उन्होंने 1980 में लीना जी से शादी कर ली, जिनके साथ वो अपने
अपनी मृत्यु तक रहे। उन दोनों के एक बेटे हैं जिनका नाम सुमित कुमार है। किशोर कुमार जी को कारों का बहुत शौक था। किशोर जी ने कभी भी क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग नहीं ली, मगर दिग्गज सिंगरों का मानना है कि भले ही उन्हें क्लासिकल सिंगिंग ना आता हो, लेकिन उनको संगीत की काफी ज्यादा समझ थी। हम लोग अभी तक जितने भी हिट ट्रैक्स सुनते आए हैं, उनमें से ज्यादातर आइकॉनिक सॉन्ग्स किशोर कुमार जी की ही है, जो कितना भी पुराना हो जाए लेकिन बिल्कुल नया जैसा लगता है। उनके कुछ हिट ट्रैक्स हैं, जैसे मेरे सपनों की रानी, कुछ तो लोग कहेंगे, मेरे महबूब कयामत होगी, एक लड़की भीगी भागी से, और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है उनके गाने के, जिनमें से सारे ही सुपर हिट सॉन्ग्स हैं। किशोर कुमार जी को 8 फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया और उस टाइम उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। 13 अक्टूबर 1987 को अपने भाई अशोक कुमार के जन्मदिन के मौके पर ही उनकी हार्ट अटैक के कारण से मृत्यु हो गई। उसके बाद से ही अशोक कुमार ने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया। गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।